खड़े होने को जगह मिली है बस। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं गणपति बाबा मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर के प्रांगण में आ गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस देखिए, अभी सुबह के 5 बज गए हैं और हम चारों लोग रेडी हो गए हुए हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सिद्धि विनायक जा रहे हैं काफी सालों के बाद, मतलब लॉकडाउन से पहले ही गए थे, उसके बाद तो गए ही नहीं हम लोग। तो आज जा रहे हैं, आज जाने का मौका मिला है, गणपति पापा बुला रहे हैं, तो चलिए मिल के आते हैं। गाइस सुबह सुबह भी ट्रेन में काफी भीड़ है, खड़े होने को जगह मिली है बस। गाइज अभी हम लोग आ गए हैं दादर स्टेशन पे और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे सिद्धि विनायक मंदिर, है ना? चलो ये देखिए गाइज, नीचे में मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे सब्जी भाजी का मार्केट लगता है। ये देखिए, आ जाओ इधर, यहाँ सब सामान वान मिलता रहता है यहाँ पे। गाइस यहाँ से थोड़ा आगे जाके ना, वहाँ से टैक्सी मिल जाती है सिद्धि विनायक के लिए। यही यहाँ पे देखिए, फूल पत्ती वगैरह सब मिलता है, फूल वगैरह ज़रा कुछ किलो के हिसाब से इस तरफ भी मिल रहा है। और यहाँ आगे जाके यहाँ से टैक्सी मिल जाती है सिद्धि विनायक के लिए। ये देखिए गाइस, ये काले पीली टैक्सी जो लगी है सब जाती है सिद्धि विनायक, पर सीट के हिसाब से लेती है। यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा है वॉकेबल। पहले तो ये सब सुविधा नहीं थी तो नहीं पता चलता था, अभी तो मैप पे पता चल जाता है। 1 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर है, 15 मिनट में आप पहुँच सकते हैं वॉक करके। तो हम लोग वॉकिंग करके ही जा रहे हैं। ये देखिए चर्च है एक, यहाँ पे रास्ते में पड़ता है, यहीं से इस तरफ जाना पड़ता है। गाइस हम लोग हमेशा ना पैदल ही जाते हैं मंदिर, चाहे तो टैक्सी पकड़ के जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों से ही, जब से मैं यहाँ पे हूँ 2006 से मुंबई में, तब से मैं पैदल ही जाता हूँ। यहाँ से वॉक करके जाते हैं हम लोग मंदिर, वहाँ दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद आते समय टैक्सी लेते हैं, है ना? तो पैदल जाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। ये लोग छोटे छोटे थे तब भी पैदल ही जाते थे, एकदम छोटे छोटे थे तब। अभी तो हम लोग काफ़ी 4 साल के बाद जा रहे हैं, 19 के बाद अभी जा रहे हैं मंदिर। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं गणपति बाबा मंदिर, सिद्धि विनायक। चलो जाए, ये देखिए ये मंदिर है सामने। गाइस हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। ये उधर से लग गया लाइन, लाइन उस तरफ लगती है, यहाँ पे भी लगती है लाइन अगर ज़्यादा रहती है गर्दी तो, भीड़ ज़्यादा रहती तो। प्रसाद और साथ यहाँ भी मिलता है,
हम लोगों ने तो पीछे ही ले लिया प्रसाद। गाइस मंदिर में लाइन लगी हुई, इधर से ही है क्या? दो दो लाइन है क्या? ओके अच्छा चलो इधर से चलो, चलो इधर से चलते। गाइस यहाँ पे ये मूसक हैं, इनके कान में बोलने पे मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी मनोकामना आप बोल सकते हैं। गाइस दर्शन हो गया भगवान के और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। सिद्धांत का सॉक्स खो गया है, इधर उधर चला गया होगा, पैर से लग के चला गया होगा इधर उधर। चलिए चलते हैं घर। गाइस ये देखिए ये मंदिर है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग नायगांव पहुँच चुके हैं। नायगांव ये देखिए नायगांव पे एक्सीलेटर बन गया है। सिद्धांत चलिए 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 घर चलते। गाइस तो 9:30 हो गए हैं और हम लोग आ गए हैं घर पे, अभी पहुंच गए हैं, अभी रिलैक्स। गर्मी लग रही है, अभी सुबह सुबह इसलिए गए थे कि धूप ना मिले, लेकिन आते समय धूप मिल ही गया है। धूप इतनी कड़क है कि क्या बताए, है ना। तो आज का दर्शन करके अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि दर्शन करने जाएंगे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। हम तो सपने में भी देख लिए थे गणपति। इधर तो 3 दिन से कह रही है कि चलेंगे चलेंगे, तो आज फाइनली सिद्धि विनायक गणपति बप्पा ने बुला लिया हम लोग को। दर्शन हो गया है, चैन मिल रहा है, अभी सुकून मिल रहा है, बहुत सारा मनोकामना पूर्ण किए हैं भगवान हमारा, और थोड़ा बहुत और है जो पूर्ण कर दें, है ना, बस कर्जा मुक्त कर दें। तो गाइस आज का ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइज मंदिर से आने के बाद आज हम लोग ये मैगी खा रहे हैं, भूख लग रही है।